सरकार ने घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के सुरक्षा के लिए 2005 में यह कानून बनाया है ताकि महिलाएं अपने घर में घरेलू हिंसा की शिकार ना हों। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर ब्लॉक के धमरुआ गांव के पुरवा बारी टोला की ममता हैं जो आज 12 सालों से घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। आज 4-5 साल से ही पड़ी है, मारे पीटे रहे हैं। के मारे रहा दीदी? हमारे पति जी। कितना साल है? 4-5 साल हो गए, तब से ही है। एक मतलब छोट सब 4 बच्चे हैं और एक 14 साल का बिटिया है और उससे सब छोट हैं। बाबू की तबीयत खराब है, वो पढ़ा है ना, वो आगे उनका दवाई दर्पण सब परेशान रहते हैं और तब से आगे का सोच जाए जो नहीं। 4 लड़कियाँ लेके अपन ही परी है नैहरे में। कितना मतलब कौन चीज़ से मारे हैं दीदी आपके? हाथ से डंडा लाठी जौन इस चीज़ से पाए रहे वही चीज़ से मारे रहे। मार सब टूट फट गया रहा सब, ऐसा मार मारे रहन कि उठ बैठ ना पात रहे। कौन परेशानी ममता के साथ? ममता साथ ये परेशानी, खियावा दियावा उनकर का बोला था, लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई देखी का करें, घर परिवार देखी। ममता यहीं रहा थी? ममता 6 साल से यहीं रहा थी। काहे का हरदम 50,000 रुपया मांगत रहे, सीकर या मुट्ठी मांगत रहे, हरदम जो सफरत रहता हूँ रुपया पैसा देत रहे कि ना दे पाए। मार गरिया के घरे में से निकाल देने 1 बजे रात गए और वहाँ से लेके चला आया लड़कन बच्चन के, लेके आए तब से ही लेके झेलत हैं। अपन घर परिवार देखी कि उनकर परिवार देखी, तो का चाहते हैं अपन घर परिवार ममता चाहती हैं और जब वो ना ले जाते हैं ना कहते हैं तो हम कहाँ फेंक दें, का करें कौन जबरदस्ती करें उनके साथ। मैं चाहती हूँ कि प्रोबेशन अधिकारी द्वारा ममता के साथ हो रहे घरेलू हिंसा की जांच कर और उचित कार्यवाही करें ताकि ममता के साथ हो रहे हिंसा बंद हो सके। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूं कि प्रोबेशन अधिकारी के मोबाइल नंबर 94-54-18-36-33 पर कॉल कर दबाव बनाएं और मेरी मदद करें। मैं गायत्री राज, उत्तर प्रदेश जनपद अम्बेडकर नगर, इंडिया, अनहर्ड के लिए।